हाँ जी बच्चे, सो वी वर डूइंग द चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इन। एंड ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड विद द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में वी हैव डन द डायरेक्ट मेथड्स एंड वी वर डूइंग द इनडायरेक्ट मेथड्स। डन इनडायरेक्ट मेथड्स में हमने लिखा था, दैट इज द थर्ड पॉइंट, हमने लिखा था थ्रू वेक्टर्स। थ्रू वेक्टर्स, नाउ थ्रू वेक्टर्स हाउ द स्प्रेड ऑफ द डिजीज गोज, दैट इज ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट फॉर द मलेरिया डिजीज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम। दैट वॉज एन एग्जाम्पल नंबर वन, दैट इज मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। द प्लाज्मोडियम कॉजेस मलेरिया। अनदर डिजीज दैट इज अ वेक्टर ऑफ द मलेरिया, दैट इज फीमेल एनोफिलिस मस्किटो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉरी, सो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर कौन है यहाँ पे, द वेक्टर फॉर दिस इज मलेरिया डिजीज है, ये कॉजिटिव एजेंट है। ठीक है, और वेक्टर कौन है इसका, फीमेल एनोफिलिस मस्किटो। फीमेल एनोफिलिस मस्किटो इज अ वेक्टर फॉर दिस डिजीज, थ्रू वेक्टर्स हमने बात करी थी। ठीक है, कॉजिटिव एजेंट और द कॉजल एजेंट। हाँ जी, नेक्स्ट इज द फोर्थ इज थ्रू सॉइल। फोर्थ इज थ्रू सॉइल। नाउ फ्रॉम सॉइल द डिजीज कैन बी स्प्रेड लाइक दैट ऑफ टेटनस। टेटनस इज अ डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम द सॉइल। टेटनस का इंजेक्शन लगता है, आपको याद है, आपको पता होगा, जब भी चोट लगती है हम लोग को, कोई शार्प ऑब्जेक्ट या कभी सॉइल पे भी गिरे हो तो टेटनस का इंजेक्शन लगता है। बट दैट इंजेक्शन स्टे इन अवर बॉडी, दैट रिमेन्स फॉर पर्टिकुलरली 6 months। अर्लियर इट वॉज 1 year, बट नाउ डॉक्टर से अगर पिछले 6 महीने में अगर इंजेक्शन लगा है कभी, तो वो वापस फिर से नहीं लगाते। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें हमारा करेक्ट जो फिगर है ये बताना पड़ता है कि इस तारीख को हमें ये वाला, या इस महीने की इस तारीख को हमारे को ये इंजेक्शन लगा था, जिससे वो प्रॉपर बताएंगे कि यस इट हैज बीन द 6 months स्पैन, तो उसके बीच में लगा है तो ओके, दोबारा नहीं लगेगा। अगर एक भी दिन ऊपर हो गया है देन दे कैन पुट अप द इंजेक्शन अगेन। ठीक है, द डिजीज नेम इज टेटनस बिकॉज इट स्प्रेड्स बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियाज विच स्टे इन द सॉइल। ठीक है, जैसे बच्चे भी होते हैं वो क्या मिट्टी में खेल के आते हैं, एंड द मदर्स दे यूजुअली से टू वॉश द हैंड्स। व्हाई? बिकॉज द सॉइल दैट गेट्स स्टक इनटू योर नेल्स, है ना, नेल्स के अंदर फंस जाती। अगर आप वही खाना ऐसे खा लेंगे, नेल्स नहीं अच्छे से क्लीन करते अंदर तक, तो वही ऐसे खा लेते हैं तो उसके अंदर सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया थे वो आपके फूड के साथ अंदर चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, द डिजीज लाइक टेटनस जो है वो प्रॉब्लम आ सकती। नेम इज ऑल्सो, द नेम ऑफ द डिजीज इज ऑल्सो टेटनस। That may be variations basically, but a general tetanus का जो injection होता है that stays for 6 months. वो वैसे हमें अपना हिस्ट्री बताना पड़ता है ना डॉक्टर को, मैंने बताया ना आपको, करेक्ट डेट एंड टाइम सारा कुछ बताना पड़ता है, नॉट टाइम एग्जैक्टली बट डेट एंड मंथ बताना पड़ता है। अगर उनको लगता है कि इट इज ऑलरेडी कवर्ड विद इन द लास्ट 6 months, देन इट इज ओके। हाँ जी, क्लियर? सो दिस इज थ्रू वेक्टर्स एंड द सॉइल। ठीक है, द फिफ्थ वन इज थ्रू एनिमल बाइट्स। यस, एनिमल बाइट्स लाइक दैट ऑफ डॉग बाइटिंग, and that is example of the disease is rabies. Rabies is a disease that which is caused due to the animal bite. हाँ जी, rabies के injection rabies के होते हैं, dog
डॉग बाइट होने पे इंजेक्शंस लगते हैं ताकि ये डिजीज ना हो, और अगर ये हो जाती है तो फिर नहीं है क्योर, पर फिर बंदा खत्म हो जाता है, बंदा खत्म हो जाता है विद द टाइम। हाँ सबका ही आएगा, एनिमल बाइट, कोई भी एनिमल बाइट। वो तो सीधे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, ये हमारी सारी की सारी बॉडी की जो वर्किंग है उसको इफेक्ट करता है। ठीक है, हाँ जी क्लियर है। वो पहले थे, अभी चार ही लगते हैं। डॉग के जैसा इफेक्ट। हाँ जी नेक्स्ट इज, दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हो गया हमारा डन। नाउ आर द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द, सॉरी द कैटेगराइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेज द डिजीज। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द नेक्स्ट, लिखो डिस्कस द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेज डिजीजेस। डिस्कस द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेज डिजीजेस। What are the various categories of the living organisms that causes diseases? Categories of living organisms that causes diseases. The first category is that of bacterial disease. Means the organisms causing diseases, they belong to the category of bacteria. Bacteria, the microorganisms, prokaryotes, we have already studied. Okay? So bacteria are responsible for causing the diseases. For example, tetanus is there, or typhoid is there. Malaria nahi hai. Tetanus, typhoid, etc. These are the bacterial diseases. Even acne. Acne bhi aapki book mein likhi hai, that is also the disease caused by bacteria. Acne, pimples wo jo ho jate hain. Those are the acne. ठीक है, नेक्स्ट आर द वायरस। वायरस, वायरसेस कॉजिंग डिजीजेस कौन सी हैं? पोलियो, हाँ कोरोना इज नॉट अ डिजीज, कोरोना कोविड 19। सार्स इज ऑल्सो, एड्स, सार्स, फ्लूज, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ये सारे वायरल हैं। नेक्स्ट इज फंगल, दैट इज थ्रू फंजाई, द डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगल मेंबर्स। फॉर एग्जांपल फंगल इन्फेक्शन, रिंग वॉर्म इज अ वॉर्म, हाँ स्किन इन्फेक्शन लिख सकते हैं, एक्जिमा, स्किन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन होता है, स्किन में इरिटेशन एंड ऑल। सार्स इज अ डिजीज, दैट्स अ रेस्पिरेटरी डिजीज। देन इज थ्रू दाद, जो है वो फंगल नहीं है, वो वर्म से है, रिंग वर्म। क्रॉनिक है आई गेस, इट्स अ रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ना। हाँ जी, देन फंगस के बाद प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स कैटेगरी, प्रोटोजोन्स लाइक दैट ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम कॉजेस, प्लाज्मोडियम कॉजिंग मलेरिया। सेकेंड प्लाज्मोडियम कॉजिंग मलेरिया, और कोई एग्जाम्पल पता है? इट्स अ डिजीज, वायरल डिजीज। कॉमन कोल्ड इज नॉट द प्रोटोजोन कॉज्ड, रिंग वॉर्म नहीं, वॉर्म होएगा वो तो वॉर्म्स के साथ होएगा ना, प्रोटोजोन रिंग वॉर्म्स, वॉर्म्स के साथ हो। हाँ जी, प्लाज्मोडियम कॉजेज द मलेरिया। Then there is the
organism like trypanosoma. Trypanosoma causes sleeping sickness. Diseases ke naam hai, yaad kar lo. Sleeping sickness. Trypanosoma causes sleeping sickness. Naam likho pehle. इसमें क्या होता है, सब क्या याद करने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में सिर्फ नाम है, आपने नाम याद करने हैं. इंसोम्निया होता है वही जो नींद ना आना. लेशमानिया दैट कॉजेस काला अजहर. कॉलेरा कहां से आ गई, वो तो बैक्टीरियल है, यहाँ पे लिख लो कॉलेरा. लेशमानिया कॉजेस काला अजर. देन इज बुशीरिया कॉजिंग एलिफेंटियासिस. बुशीरिया कॉजिंग एलिफेंटियासिस. Bushiria causing elephantiasis. Then the roundworm, amoeba histolytica. Amoeba, एक और लिखो यहाँ पे. This is इसी की examples हैं, ठीक है? I'm writing here. Ascaris. That is a roundworm, Ascaris lumbricoides, पूरा नाम. ये प्रोटोजोन ही है सारे. Ascaris lumbricoides that causes ascariasis. Ascaris lumbricoids causes ascariasis. बस ये याद ही करने. मैंने तो नहीं बनाए, मैंने तो बनाए नहीं. हाँ जी, सो आफ्टर दिस ये क्वेश्चन आपने कॉपी पे लिखना है. लिखो इसका क्वेश्चन. Discuss the categories of living organisms. This is a question for your FAIR notebooks. Discuss the categories of organisms causing diseases along with examples. Discuss the categories of living organisms along with examples. Now in this, what you have to do is, you will be reading your NCERT. Right, there is approximately for the categories topic के लिए अगर आप देखेंगे, there is approximately only one paragraph, right? Half the column सिर्फ page का इस category का column बना हुआ है. आपने उसमें से कुछ और additional अगर diseases हैं तो वो भी mention करनी है, ठीक है? Any disease from your NCERT book can be there in your exam. The diseases which are not known to the people, that is for you students, the diseases which are not common ones and that are not known to you, they won't be there in the exam. But some common examples, apart from your examples from the book also can be there. Okay, kuch common examples ho sakti hain, but wo wali diseases jinka aapne kabhi naam nahi sune hai ya nahi pata hoti hai generally, wo sari nahi hongi exam mein, theek hai? So, इस क्वेश्चन के लिए आपने बुक में से एक्स्ट्रा जो भी एग्जाम्पल्स भी आएंगी वो भी मेंशन करनी है. यू योरसेल्फ विल डू दिस आफ्टर रीडिंग द एनसीईआरटी, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. ये कर रहा हूं. साइलेंस. क्लास 9th है. Be quiet, bachche, be quiet. We always say that preventions are better than cure. Yes. And now, what do you mean by this? Pray,
डिजीज होने से पहले आपको प्रिवेंशन ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर डिजीज हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट करवाना, क्योर करवाना बहुत ही ज्यादा महंगा होगा, है ना। फॉर द एक्सपेंसेस ऑल्सो, दैट इज मनी बेसिस पे भी महंगा होगा, प्लस आपकी हेल्थ बेसिस पे भी महंगा होगा, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ योर बुक्स ओनली, राइट डाउन, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डिपेंड्स अपॉन यू पीपल। हाँ जी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक ही है। हाँ जी, राइट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर पेन नोटबुक। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक्सप्लेन, इसमें आपने एक्सप्लेन क्या करना है कि अगर प्रिवेंशन करवाई जाती है तो पर्सन जो होगा वो बेड रिडन नहीं होगा, है ना। प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि अगर आप लोग को, जैसे ये कोविड ही है, कोविड फैला हुआ है ना, सो अब इसके केस में क्या है, हमें अवेयरनेसेस मिल रही है WHO से, प्रिवेंशन मिल रही है WHO से, क्या मिलती है, वेयर द मास्क, क्लीन द हैंड्स, ठीक है, मेंटेन डिस्टेंसिंग, ये सारी चीजें जो है हमारे पास, दीज आर द प्रिकॉशंस फ्रॉम द WHO फॉर अस, है ना। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि आप अगर ये प्रिवेंशन नहीं लेते, अगर आप मास्क नहीं लगाते, अगर आप अपने हैंड्स वॉश नहीं करते, अगर आप अपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते, क्राउडी प्लेसेस पे जाना बंद नहीं करते, तो क्या होगा, डिजीज होगा, ठीक है। और ये इतना डेडली डिजीज है, इसके हम लोगों ने न्यूज चैनल्स एंड एवरीथिंग पे देखा है कितना ज्यादा ये भयानक डिजीज है ना। और उस डिजीज को क्योर करवाना कितना ज्यादा मुश्किल होगा, टाइम वाइज, मनी वाइज या हेल्थ वाइज, हमारे को कितने ज्यादा उसकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से कि क्योर से हमेशा बेटर रहता है, प्रिवेंशन पहले ले लो, है ना, क्योर करवाने से पहले प्रिवेंशन ले लो। अब इसमें आप आंसर कैसे देंगे, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, दिस इज बाय सेइंग दैट इफ द पर्सन टेक्स द प्रिवेंशन, दैट इज बिफोर द ऑनसेट ऑफ द डिजीज, देन द पर्सन विल नॉट बिकम बेड रिडन। पर्सन जो है वो बेड रिडन नहीं हो जाएगा, और टाइम वेस्ट नहीं होगा, नो वेस्टेज ऑफ टाइम, नो वेस्टेज ऑफ मनी, नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। ऑल्सो अगर आप प्रिवेंशन कराते हो, ये मैं प्रिवेंशन के पॉजिटिव लिख रही हूँ, अगर आप प्रिवेंशन करते हो, पहले ही ध्यान रखते हो, डिजीज होने से पहले ही ध्यान रखते हो, तो क्या होगा, हमारे बाकी ऑर्गन्स भी सेफ रहेंगे, हमारी बॉडी के ऊपर ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे। सो नो साइड इफेक्ट्स ऑन द बॉडी ड्यू टू प्रिवेंशन, प्रिवेंशन से साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम क्योर करवाते हैं तो कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट ही नहीं माना, है ना। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स कि हमें प्रिवेंशन क्यों करना चाहिए। अब यहाँ मैं एक और चीज बोली है, प्रिवेंशन क्यों करना चाहिए, मतलब वाई टू प्रिवेंट आवर सेल्फ अगेंस्ट द डिजीजेस, है ना। तो जब आपने ये आंसर देना है, वाई टू प्रिवेंट का आंसर देना है, या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बताना है, या आपको क्वेश्चन आ जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, तो आपने यही कवर कर रहे हैं क्वेश्चन के आंसर्स। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, दैट इज द पर्सन शुड, प्रिंसिपल्स क्या समझाते हैं, किसी भी ऑपरेटर्स की प्रिंसिपल होती है, दैट इज कौन से प्रिंसिपल्स पे वो वर्क करता है ना, कैसे वर्क करता है वो मशीनरी बताएगी, कैसे करना है वो अलग है, लेकिन किस बिहाफ पे, किस सोच के साथ हमने उसको बनाया है, तो वाई टू प्रिवेंट, तो यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो भी सेम आएंगे। दिस इज ओनली टू मेंटेन अवर बॉडी सिस्टम, इफेक्ट्स ना हो जाए, वेस्टेज ना हो मनी की या टाइम की, और हम लोग बेड रिडन ना हो जाए, प्लस ऑल्सो हमारा रूटीन वर्क खराब ना हो जाए,
है ना, अगर हम बेड रिडन हो जाते हैं तो रूटीन सारी हिल जाएगी, काम नहीं कर पाते, हमारे पेंडिंग हो जाते हैं काम। बेड रिडन मतलब रेस्ट पे, घर पे, ठीक है। सो दीज थ्री क्वेश्चंस आर कैरिड ऑन इन दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज हाउ टू प्रिवेंट। यस टेल मी हाउ टू प्रिवेंट, बोलो हाउ टू प्रिवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाउ टू प्रिवेंट मीन्स द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। राइट डाउन व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन मे वेरी फ्रॉम डिजीज टू डिजीज, है ना। सो देयर आर सर्टन कॉमन मेथड्स और सम स्पेशल और स्पेसिफिक मेथड्स। व्हाट आर द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। कॉमन मीन जो हमने सारी डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए लेने। यस, ईटिंग गुड एंड हेल्दी फूड, हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट, हेल्दी डाइट, बैलेंस्ड डाइट और रेगुलर एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन या योगा, है ना। रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन और योगा और मेंटेन डिस्टेंसेस, ओके, फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। और क्या हो सकता है यहाँ पे। हाइजीनिक कंडीशंस अराउंड यू, हाइजीनिक कंडीशंस, प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन, ये सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे, ठीक है। दीज आर द कॉमन वेज टू गेट आवरसेल्फ प्रिवेंटेड अगेंस्ट द वेरियस डिजीजेस। डन। व्हेन वी से, वो हो गया बैलेंस डाइट। When we say we are to take the prevention for a specific disease, for example, COVID, तो इसके लिए हमारे पास special treatments, मतलब special preventions थे। Sanitizer बार बार लगाना, mask डालना, social distancing, ठीक है, hygienic conditions। यहाँ पे आप proper ventilation, proper sanitation भी add कर सकते हो, ठीक है। So specific are for particular diseases. Specific are for particular diseases. Specific are for particular diseases. Now here specific क्या है? Conditions. हाँ जी, specific क्या क्या हो सकती हैं? किसी एक चीज के लिए specific बताएंगे आप। For example, यही वाला COVID-19 का बता दो। So COVID-19 की क्या है हमारे पास स्पेसिफिक प्रिकॉशंस? वेयरिंग मास्क, यूज ऑफ सैनिटाइजर, बाकी आप ऐड कर सकते हो सोशल डिस्टेंसिंग, अवॉइड द ओवरक्राउडेड प्लेसेस एटसेट्रा। हाँ, किसी भी डिजीज के लिए प्रिवेंशन, ठीक है। चलो, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? Thank you.